YouTube पे पहले वीडियो बनाना चाहिए या उससे पहले उसका थंबनेल को बनाना चाहिए। बहुत सारे नए क्रिएटर इस चीज के बारे में कंफ्यूजन में रहते हैं। जो पुराने हो जाते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोग एकदम बिल्कुल नए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिल्कुल दम नए हैं तो बिल्कुल आपको मतलब कि पता नहीं होगा कि पहले हम वीडियो बनाए या थंबनेल बनाए, जिस वजह से आपके वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज नहीं आ पाते हैं और लास्ट में आप सोचते हैं कि लगता है कि हमारा चैनल ही खराब है या तो लोग हमारे वीडियो को देखना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल उठता होगा, ठीक है ना। तो अगर आप बिल्कुल दम एक नए क्रिएटर दोस्त, वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे चीजें बताने जा रहे हैं जो कि अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो बिल्कुल दोस्त आपके वीडियो पे व्यू जाएंगे, क्योंकि सबके भैया आता है तो आपके क्यों नहीं आएगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही व्यू जाता है, लेकिन व्यू जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि व्यू एक भी नहीं आता, ठीक है। तो हम आपको जो बता रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और उसके ऊपर आप काम करके देखिए, एक से दो मंथ काम कीजिए, उसके बाद हमें बताइएगा कि हाँ व्यू जा रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्त आप नॉर्मली खुद से सोच के देखिए, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को पहले अपलोड कर देते होंगे, मतलब क्या लिस्टेड में, ठीक है ना, उसके बाद जब आप थंबनेल को बनाने जाते होंगे तो पक्का वहां पर आप समय को नहीं देते होंगे, क्योंकि वहां पर आप जल्दी करते हैं, क्योंकि आप सोचते होंगे वीडियो तो हमने अपलोड कर रखा है, जल्दी से थंबनेल बना लेते हैं, उसके बाद वीडियो को जल्दी से जल्दी हमें पब्लिक करना है, ठीक है ना। तो आपका माइंड एक सेट हो जाता है कि हमें जल्दी थंबनेल बनाना है, जिस वजह से आप थंबनेल पे उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना कि आपको थंबनेल पे समय देना चाहिए। तो वीडियो को वायरल करवाने के लिए पूरा खेल होता है थंबनेल का और टाइटल का, क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे कि डिस्क्रिप्शन खाली है, टेक्स्ट खाली है, लेकिन टाइटल और थंबनेल से वो वीडियो वायरल हो गया, तो कहीं ना कहीं उसमें वीडियो में थंबनेल और टाइटल मतलब क्या अट्रैक्टिव रहता है, ठीक है ना। हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे दोस्त, देखिए पहले आप वीडियो को नहीं बनाइए, उससे पहले आप जिस समय में एकदम छुट्टी में है, मतलब एकदम आपका माइंड फ्री है, उस समय आप थंबनेल को क्रिएट कीजिए। पहले आप थंबनेल को बना लीजिए, एकदम सोच समझ के बनाइए, बढ़िया से बनाइए, ठीक है ना। वहां पे आप कुछ ऐसे वर्ड लिखिए जिससे कि लोग वहां पे रुके, उस थंबनेल के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, ठीक है ना, और उसके बाद उस पर क्लिक करें, एकदम साफ सुथरा आपको लिखना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो थंबनेल आपको बनाने के लिए सीखना चाहिए कैसे टेक्स्ट लिखे जाते हैं, किस तरह से आप टेक्स्ट को एकदम बोल्ड में लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, क्योंकि देखिए थंबनेल पे आप लिखते तो सही है, मतलब कि आपका जो वर्ड होता है सही होता है, लेकिन वो साफ सुथरा दिखाई नहीं, जिस वजह से लोग उस थंबनेल पे क्लिक नहीं करते। आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, वीडियो के अंदर आपका बहुत ही अच्छा मतलब की क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तक आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा दोस्त, वीडियो पे आपका लोग क्लिक नहीं करेंगे, ठीक ना। तो हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो पहले ना बना के उसके थंबनेल को पहले आप डिजाइन कर लीजिए, अच्छी तरह से बना लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को लिस्टेड में अपलोड कीजिए, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ डाल लीजिए, उसके बाद आप थंबनेल को लगा के वीडियो को पब्लिक कर दीजिए। पक्का दोस्त आपके वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, क्योंकि सबका जब आ रहा है दोस्त तो आपका भी आएगा, धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, ठीक है ना। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्त को सपोर्ट कीजिएगा। तब चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।